चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रश्नावली 5.1 और यह है प्रश्न पहला। देखो प्रश्नावली 1, 2, 3 और 4 पूरी प्रश्नावली वो मैंने बना दी है और मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में डाल दी है। तो अगर वो सारी वीडियो आपको देखनी है ना तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ। अच्छा आपको प्लेलिस्ट कैसे मिलेगी तो इस वीडियो के लास्ट में मैंने बताया है आपको प्लेलिस्ट कैसे मिलेगी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास यहाँ पर 3 कोण दिए हुए हैं, इन सबका हमें पूरक कोण ज्ञात करना है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि ये पूरक कोण होता क्या है ना। देखो दो प्रकार के कोण होते हैं, एक तो होता है पूरक कोण, ठीक है, और एक होता है समपूरक कोण। एक होता है पूरक कोण और एक होता है समपूरक कोण। पूरक कोण किसे कहते हैं, ऐसे कोण, मैं यहाँ पर परिभाषा लिख रहा हूँ है ना, आप अपनी कॉपी में नोट कर लो, ऐसे दो कोण जिनका योग यानी जोड़, जिनकी जोड़, जिनका योग 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री होता है, उनको हम एक दूसरे के पूरक कोण कहते हैं। और समपूरक कोण किसे कहते हैं, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है ना। तो आप समझ गए होंगे कि पूरक कोण क्या होता है। तो जिन दो कोणों को जोड़ने पर उनकी जोड़ कितनी हो, 90 डिग्री हो, तो उसे हम पूरक कोण कहेंगे, और जिन दो कोणों को जोड़ने पर वो 180 डिग्री होता है तो उसे हम समपूरक कोण कहेंगे। जैसे मान लो मेरे पास एक कोण है ए, दूसरा कोण है बी, इन दोनों की जोड़ कितनी हो गई, 90 डिग्री, तो इन दोनों को हम एक दूसरे का पूरक कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, पूरक कोण। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे मैंने ए ले लिया 60 डिग्री, बी ले लिया 30 डिग्री, अब देखो इन दोनों की जोड़ कितनी आ रही है, 90 डिग्री, तो मैं क्या कहूँगा, 60 डिग्री का पूरक कोण कितना है, का पूरक कोण, यानी 60 में मैं कितना जोड़ू कि 90 हो जाए, आप कहोगे 30 डिग्री, तो 60 डिग्री का पूरक कोण कितना आएगा, 30, और 30 डिग्री का पूरक कोण कितना आएगा, आप कहोगे 60, यानी ये दोनों एक दूसरे के पूरक कोण। 60 का पूरक कोण 30, 30 का पूरक कोण 60, और पूरक कोण किसे कहते हैं कि इन दोनों कोणों को जोड़ने पर कितना हो जाए, 90 हो जाए, तो उसको हम कहते हैं पूरक कोण। ऐसा कैसे, समपूरक कोण क्या होता है, जिन दो कोणों की जोड़ 180 डिग्री होती है उसे हम एक दूसरे के क्या कहते हैं, समपूरक कोण कहते हैं। तो प्यारे बच्चों ये तो हुआ पूरक कोण, ए प्लस बी बराबर 90, और ये हुआ समपूरक कोण। अब जैसे एक कोण हमको दिया हुआ है ना 20 डिग्री, और इसका हमें पूरक कोण निकालना है। तो अब 20 डिग्री में मैं कितना जोड़ूं कि 90 हो जाए, तो आप कहोगे 70 जोड़ दो, है ना, 70 जोड़ूंगा तो 90 हो जाएगा। तो 20 डिग्री का पूरक कोण कितना आएगा, 70 आएगा। लेकिन क्या हम इसको बड़े आसान ढंग से कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। आपको मैं एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा जिससे आप पूरक कोण आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, है ना। वो फॉर्मूला क्या है, देखो जैसे मुझे ये पहला वाला ज्ञात करना है, ठीक है, पहला वाला ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला होता है पूरक कोण बराबर 90 डिग्री माइनस दिया गया कोण। अच्छा हमको कौन सा कोण दिया, है ना, ये तो फॉर्मूला हो गया। अब हमको कौन सा कोण दिया, तो हमको दिया 20 डिग्री, तो सबसे पहले मैं पहले का पूरक कोण ज्ञात करूँगा, है ना, पहले का क्या करूँगा, पूरक कोण ज्ञात करूँगा। तो पहला का पूरक कोण कैसे ज्ञात करेंगे, देखो पूरक कोण बराबर, ठीक है, ये कितना है 90 डिग्री माइनस दिया गया कोण। तो पहले प्रश्न में हमने कितना कोण दिया हुआ है, 20 डिग्री, तो वो 90, और यहाँ पर मैं 20 डिग्री लिखूँगा। अब 90 से मैं 20 डिग्री घटाऊंगा तो कितना आएगा, 70 डिग्री, यानी जो पहला प्रश्न है
20 डिग्री का पूरक कोण जो होता है वो कितना होता है 70 डिग्री। आप सीधा भी लिख सकते हो कि 20 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा 70 डिग्री, क्योंकि 20 में कितना जोड़ने पर 90 होगा, 70 जोड़ने पर 90 होगा। अब दूसरा करते हैं, देखो दूसरा क्या है, दूसरे का भी पूरक कोण ज्ञात करना है ना, और ये है फॉर्मूले का 90 डिग्री माइनस दिया गया कोण, तो दूसरे में कितना कोण दिया 63 डिग्री, तो 63 डिग्री 90 में से घटाएंगे। चलो घटाते हैं, तो 10 में से 3 गया 7, 8 में से 6 गया 2, कितना आएगा 27 डिग्री। इसका मतलब है कि अगर मैं 63 डिग्री में 27 डिग्री जोड़ूंगा तो 90 हो जाएगा। इसका मतलब 63 डिग्री का पूरक कोण कितना आया 27 डिग्री आया। अच्छा अब तीसरा वाला, तीसरे का पूरक कोण ज्ञात करते हैं, तो फॉर्मूला क्या है 90 माइनस दिया गया कोण, 90 माइनस दिया गया कोण, दिया गया कोण कितना है 57 डिग्री। अब घटाएंगे तो 90 में से 57 गया, 10 में से 7 गया 3, 8 में से 5 गया 3, आया 33 डिग्री, है ना। तो इस प्रकार से इन तीनों के जो पूरक कोण हैं वो ये आएंगे। दूसरा प्रश्न करते हैं, अब दूसरे प्रश्न में है निम्नलिखित में से प्रत्येक का संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो अब की बार हमें कौन सा ज्ञात करना है, संपूरक कोण ज्ञात करना है। अच्छा संपूरक कोण का मतलब क्या होता है, जिन दो कोणों की जोड़ कितनी हो 180 डिग्री हो। तो इसमें से पहला कोण तो हमें कितना दिया 105 डिग्री दिया, तो अब इस 105 में मैं कितना जोड़ूँ कि वो 180 हो जाए, तो क्या करें इसको 180 में से घटा देते हैं, यानी इसका भी मैं एक फॉर्मूला बनाता हूँ। देखो फॉर्मूला क्या होगा, संपूरक कोण बराबर 180 डिग्री माइनस दिया गया कोण। तो हमें यहाँ पर तीन कोण दिए हुए है ना, तो पहला करते हैं, देखो पहला में संपूरक कोण कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे संपूरक कोण बराबर, संपूरक कोण हो गया, क्या सूत्र है 180 डिग्री माइनस दिया गया कोण, और दिया गया कोण कितना है 105, तो यहाँ हम लिखेंगे 105 डिग्री। अब 180 में से 105 घटाएंगे तो हमें संपूरक कोण मिल जाएगा, 10 में से 5 गया 5, इसने इसको उधार दिया बचा 7, कितना आएगा 75 डिग्री, 75 डिग्री। तो संपूरक कोण कितना आया 75 डिग्री, 105 डिग्री का संपूरक कोण कितना आएगा 75 डिग्री। चलो दूसरा करते हैं, दूसरा कितना है 87, तो इसका हमें संपूरक कोण ज्ञात करना है, किसका 87 डिग्री का, तो सूत्र क्या है संपूरक कोण बराबर 180 माइनस दिया गया कोण, दिया गया कोण कितना है 87 डिग्री, तो 180 में से 87 डिग्री घटाएंगे, 10 में से 7 गया 3 बचा, ये बचा 7, तो 17 में से 8 गए पीछे कितने बचे 9, कितना आएगा 93 डिग्री। तीसरा देखो, तीसरा है 154 डिग्री का संपूरक कोण, तो हमें पता है कि संपूरक कोण बराबर क्या होता है 180 डिग्री माइनस दिया हुआ कोण, दिया गया कोण कितना है 154 डिग्री, घटाएंगे तो 180 में से अब के बार 154 डिग्री घटाएंगे, 10 में से 4 गया 6 बचा, 7 में से 5 गया 2 बचा, उत्तर कितना आएगा 26 डिग्री, है ना। तो ऐसे हमें दूसरा प्रश्न करना है। प्रश्न तीसरे में देखो क्या है, कोणों के निम्नलिखित युग्मों में से पूरक एवं संपूरक कोण युग्मों की पृथक पृथक पहचान कीजिए। तो यहाँ पर हमें 6 प्रश्न दिए हुए हैं, उनमें से हमें बताना है कौन सा पूरक कोण है और कौन सा संपूरक कोण है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले प्रश्न में मैंने बताया था कि अगर जब दो कोण, जैसे ये दो कोण है, इन दो कोणों की जोड़ अगर 90 डिग्री होती है तो वो आपका कौन सा कोण है, पूरक कोण। अगर दो कोणों की जोड़ 180 डिग्री आती है तो वो कौन सा होगा, संपूरक कोण। बस इतना आसान है भाई, इनको जोड़ो, अगर इनकी जोड़
90 आती है तो वो पूरक कौन होगा, अगर इनकी जोड़ 180 आती है तो वो संपूरक कौन होगा। तो देखो पहले में क्या है, 65 डिग्री प्लस 115 डिग्री, तो 65 डिग्री पहला जब है 65 डिग्री और दूसरा कोण 115, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं है ना, तो इनकी जोड़ कितनी आएगी, 180 डिग्री आएगी। तो आप क्या कहोगे, यह कौन सा कोण है, समपूरक कोण है। ये दोनों जो कोण है वो कैसे कोण है, समपूरक युग्म कोण है ना, युग्म कोण है। अच्छा अब ये वाला देखो, दूसरा 63 डिग्री में 27 डिग्री जोड़ते हैं, 63 डिग्री प्लस 27 डिग्री, अगर मैं दोनों को जोड़ूं तो इनकी जोड़ कितनी आएगी, 90 डिग्री। तो हम क्या कहेंगे, यह कौन सा कोण है, पूरक युग्म कोण है, यानी ये एक दूसरे के पूरक कोण है ना। फिर इनको तीसरा देखो, 112 डिग्री, 112 डिग्री में अगर मैं 68 डिग्री जोड़ता हूँ तो इनकी जोड़ वापस कितनी आएगी, 180। आप जोड़ के देखना, 180 डिग्री आएगी, ठीक है, 180 डिग्री आएगी। तो हम कह सकते हैं कि यह संपूरक कोण, संपूरक कोण युग्म है, या फिर संपूरक युग्म कोण है। अगला देखो फोर्थ, 130 और 50 डिग्री, तो 130 डिग्री और 50 डिग्री को जोड़ेंगे तो इसकी जोड़ भी कितनी आएगी, 180 डिग्री आएगी। तो कहेंगे यह संपूरक युग्म कोण है ना। फिर पांचवा देखो, ये दोनों 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री, दोनों को जोड़ते कितना आएगा, 90 डिग्री। तो कहेंगे यह पूरक युग्म कोण है। फिर अंत में छः वाला देखो, 80 प्लस 10, तो हम जानते हैं कि 80 डिग्री प्लस 10 डिग्री कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो कहेंगे यह भी कौन सा कोण है, पूरक युग्म कोण है। नेक्स्ट करते हैं अब, देखो प्रश्न संख्या 4 और 5 एक जैसा ही है लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर है। पहले प्रश्न में क्या, देखो ऐसे कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक कोण के समान हो, और पांचवे में क्या है, ऐसे कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक कोण के समान हो। अब इसको समझो, देखो तीसरे प्रश्न में हमने क्या किया था, हमने ऐसे युग्म लिए थे जो एक दूसरे के क्या हो, पूरक या संपूरक हो, है ना। अब मैंने क्या बताया कि पूरक कोण क्या होता है, कि जब दो कोणों को जोड़ते हैं तो वो 90 डिग्री आता है। संपूरक क्या होता है, कि जब दो कोणों को जोड़ते हैं तो वो 180 डिग्री आता है ना। अब ये कह रहा है ऐसे कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक कोण के समान हो, यानी कि जो कोण ए है वही के वही कोण बी हो, यानी कि दोनों कोण आपस में क्या हो बेटा, बराबर हो, है ना, दोनों कोण आपस में क्या हो, बराबर हो। तो हम क्या करते हैं, उन दोनों कोणों को x मान लेते हैं, उन दोनों कोणों को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अच्छा तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पहले हम चार करेंगे है ना, तो करेंगे माना कोण, एक कोण है ना, कोण तथा इसका पूरक कोण तथा इसका पूरक कोण, उसको मैं मान लेता हूं x बराबर x, क्या है x, मैंने क्या किया, दोनों कोणों को, चाहे कोई कोण है तो इसका पूरक कोण क्या हो गया, x, मतलब दोनों कोण क्या हो गए, समान होंगे, है ना, तो उनको मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। अब हम जानते हैं कि पूरक कोण क्या होते हैं, है ना, पूरक कोण क्या होते हैं, देखो अब हम क्या जानते हैं कि इन दोनों कोणों की जोड़, यानी कि x प्लस x, पूरक कोण क्या होता है, कि दोनों कोणों की जोड़ 90 डिग्री होती है। अच्छा x और x ये दोनों जुड़ रहे हैं, कितने x हो गए, 2x हो गए, है ना, x प्लस x, एक x और एक x कितना हो गया, 2x हो गया, बराबर यहाँ कितना है, 90 डिग्री। अब हमने
चार प्रश्नावली की थी। चार प्रश्नावली में क्या था, समीकरण। ये देखो हमारे पास एक समीकरण है। अब ये यहाँ दो किस में है, गुणे में है, तो अगर ये गुणे में है तो वो बराबर के इस तरफ भाग में या फिर बट्टे में जाएगा, तो इसे हम भाग में यानी बट्टे में भेजेंगे। तो यहाँ x बराबर ये दो जो है इधर जाएगा तो बट्टे में आ जाएगा, 90/2 हो जाएगा। अब 90 में हम 2 का भाग देंगे, 4 × 2 = 8, पीछे बचा 1 = 0, 5 × 4 = 10 है ना, सॉरी 2 × 5 = 10, 10 में से 10 गया 0। तो अब ये उत्तर कितना आया, 45, यानी x बराबर कितना आया, 45 डिग्री आया। अब यानी कि दोनों कोण 45 के, देखो 45 + 45 करूँगा तो कितना आएगा, 90 आएगा है ना। तो ये एक दूसरे के क्या हुए, पूरक कोण हुए है ना। अब मैं पांचवा करूँगा, तो देखो पांचवे में भी यही लाइन लिखनी है, लेकिन पूरक की जगह क्या लिखना है, समपूरक। तो हम क्या कहेंगे, माना कोण तथा इसका समपूरक कोण बराबर क्या है, x। अगर ये दोनों x है तो मैं कहूँगा x + x बराबर कितना आएगा, 180 डिग्री, क्योंकि समपूरक कोणों की जोड़ कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। अब ये दोनों जुड़ के कितने हो गए, 2x = 180 डिग्री। अब ये 2 जाएगा है ना इधर, तो भाग में आ जाएगा, यानी x बराबर क्या आएगा, 180/2। अब 180 में हम 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री, यानी भी यहाँ पर प्रत्येक x का मान कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा, और यहाँ पर प्रत्येक x का मान कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा। प्रश्न संख्या 6 है, दी गई आकृति में ये कोण 1, ये किसका निशान है, कोण का निशान है, कोण 1 व कोण 2 समपूरक कोण है, यानी इन दोनों कोणों की जोड़ कितनी है, 180 है। ये हम जानते हैं कि जो समपूरक कोण होते हैं उनकी जोड़ हमेशा कितनी होती है, 180 होती है। अच्छा अब आगे क्या हो, देखो यदि कोण 1 में कमी की जाती है, यानी इस कोण 1 में हम कमी करें, ठीक है कमी करें, तो कोण 2 में क्या परिवर्तन होगा ताकि दोनों कोण फिर भी समपूरक बने रहे, है ना। बहुत अच्छा प्रश्न है, देखो ये कह रहा है कि जैसे ये एक कोण 1 है और कोण 2 है, ये दोनों कोण मिलकर कितने होते हैं, 180 होते हैं, यानी ये दोनों संपूरक कोण हैं। और अगर मैं कोण 1 में कमी करूं तो कोण 2 में क्या होगा, कोण 2 को हमें अधिक करना पड़ेगा है ना, क्योंकि हमें इन दोनों की जोड़ हमेशा 180 ही चाहिए। अब मान लो जैसे एक कोण 30 डिग्री का है, ठीक है, और दूसरा कोण सॉरी एक कोण हम ले लेते हैं 60 डिग्री का, और दूसरा कोण भी हम ले लेते हैं 120 डिग्री का ले लेते हैं ना, इन दोनों की जोड़ कितनी है, 180 डिग्री, यानी ये एक दूसरे के संपूरक कोण है। अब ये कह रहा है कि पहले कोण में आप कमी करो, अगर मैं 30 डिग्री कर देता हूँ इसको, यानी कमी कर देता हूँ इसमें, तो अब जो मेरे पास ये दूसरा वाला कोण होगा है ना, वो कितना हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों की जोड़ हमेशा 180 होनी चाहिए, तो ये बढ़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, तब जाके इन दोनों की जोड़ कितनी आएगी, 180 आएगी। तो हम यहाँ पर क्या उत्तर लिखेंगे, हम लिखेंगे यदि कोण एक में कमी की जाती है तो कोण 2 में कोण 2 में वृद्धि, इसको बढ़ाना पड़ेगा ना, और बढ़ाने को क्या करेंगे, वृद्धि करनी पड़ेगी। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब वृद्धि क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि ये संपूरक कोण है और इनकी जोड़ होती है वो कितनी होती है, 180 होती है। कुल मिला के रिजल्ट आपको 180 करना पड़ता है, इसलिए कोण 1 में कमी होने पर कोण 2 में वृद्धि करनी पड़ेगी। अच्छा तो क्या ऐसे दो कोण संपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों, सातवां प्रश्न कर रहा हूँ, कह रहा है कि दोनों कोण संपूरक, हम जानते हैं कि अगर संपूरक कब होगा, जब a + b यानी कोण 1 और कोण 2 इन दोनों की जोड़ कितनी हो, 180 डिग्री हो। तो पहला देखो न्यून कोण है क्या, अगर हम दोनों कोण न्यून कोण ले, देखो आपने
क्लास 6 में पढ़ा होगा न्यून कोण क्या होता है ना। तो जो 90 डिग्री से कम कोण होते हैं है ना, जो 90 डिग्री से कम कोण होते हैं उन्हें हम न्यून कोण बोलते हैं। यानी 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, ऐसे आपके उन 90 डिग्री है ना, ये जितने भी कोण आएंगे उन सब को हम क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। तो ये कह रहा है कि क्या दो न्यून कोणों को जोड़ने पर वो संपूरक कोण हो सकते हैं क्या। तो अब सबसे न्यून कोण क्या है इसमें, सबसे बड़ा 90। अगर मैं दो 90 कोण को जोड़ूं है ना, तो कितना हुआ, 9 और 9 18 हसर का, 1 8 2 16 और 117, 178 डिग्री हुआ। क्या ये 180 डिग्री है क्या, है ना। जबकि हम तो पढ़ रहे हैं कि जिन दो कोणों की जोड़ 180 डिग्री होती है उन्हें हम संपूरक कोण कहते हैं, जबकि इन दोनों की जोड़ तो 178 डिग्री ही हुई है ना। तो अब न्यून कोण, अगर दोनों न्यून कोण हैं 90 डिग्री से कम हैं, तो वे कभी संपूरक कोण नहीं हो सकते। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्या ऐसे दो कोण संपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों न्यून कोण हैं, तो आप कहोगे नहीं, ठीक है, नहीं यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, ऐसा लिख दो, यह संभव नहीं है, क्योंकि उन दोनों की जोड़ कभी भी 180 नहीं होगी। अब दूसरा देखो, अधिक कोण है, अगर वो दोनों कोण अधिक कोण हो, अब अधिक कोण किसे कहते हैं, जो कोण 90 डिग्री से ज़्यादा हो है ना, 90 डिग्री से अधिक। वो 90 डिग्री से कम था, अब ये 90 डिग्री से क्या होगा, अधिक हो जाएगा। तो जब 90 डिग्री से अधिक हो, भाई 90 डिग्री से अधिक मतलब 91 डिग्री 92 डिग्री से लगाकर आपके 360 डिग्री, 180 डिग्री कुछ भी हो सकता है ना, 180 डिग्री यानी कि 180 डिग्री तक कर लेते हैं, ठीक है। तो 90 डिग्री से ज़्यादा उसे हम क्या कहेंगे, अधिक कोण कहेंगे। तो अगर दो कोण 91 डिग्री अपन ले लें है ना, और उन दोनों को जोड़े तो वो कितना आएगा, 182 डिग्री आएगा। जबकि संपूरक कोण क्या होता है, जिन दो कोणों की जोड़ कितनी हो, 180 डिग्री हो, जबकि ये तो 180 डिग्री से ज़्यादा हो गया। यानी अधिक कोण भी हम अगर लेंगे तो भी वो संपूरक कोण नहीं बनेंगे। यदि दोनों कोण अधिक कोण हैं तो वो कभी संपूरक कोण नहीं बनेगा, इसलिए हम कहेंगे यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। अब ये वाला देखो तीसरा, यदि दोनों कोण समकोण हैं, समकोण किसे कहते हैं, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। अब एक 90 डिग्री और दूसरा भी 90 डिग्री ले ले, यानी दोनों समकोण ले ले, तो क्या इनकी जोड़ 180 डिग्री हो रही है क्या, हाँ हो रही है। तो हम कहेंगे एक दो कोण संपूरक हो सकते हैं यदि वो दोनों समकोण हैं, ठीक है। हम यहाँ क्या लिखेंगे, यह संभव है, यह संभव है। देखो प्रश्न 8 है, एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है, यानी वो 45 डिग्री से बड़ा है ना, 46 47 48 कुछ भी हो सकता है, वो 45 डिग्री से बड़ा है। क्या इसका पूरक कोण 45 डिग्री से बड़ा है, फिर कह रहा है अथवा 45 डिग्री के बराबर है या 45 डिग्री से छोटा है। अब इनके उत्तर जो है हमें बहुत ज़्यादा सोच समझ के देना पड़ेगा है ना। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो हमें कोण दे रखा है वो 45 डिग्री से बड़ा है, ठीक है, जो ये कोण, ठीक है, माना 45 डिग्री से बड़ा कोण, से बड़ा कोण x है, ठीक है। यानी कि ये जो कोण दिया हुआ है ये 45 डिग्री से बड़ा है, इसको हम कैसे लिखते हैं पता आपको, ये जो कोण है x वो 45 डिग्री से बड़ा है। तो जो बड़ा होता है उसकी साइड में मुंह खुला होता है ना, तो ये 45 डिग्री से कोण बड़ा है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि पूरक कोण क्या होता है, भाई जिन दो कोणों को अपन जोड़े है ना, तो उनकी जोड़ कितनी आनी चाहिए, 90 डिग्री आनी चाहिए, इसको हम बोलते हैं एक दूसरे के पूरक कोण, है ना। तो यहाँ पर एक कोण दिया 45 डिग्री से बड़ा, और फिर कह रहा है कि इसका पूरक कोण क्या होगा, क्या वो 45 डिग्री से बड़ा होगा क्या। भाई अब देखो 45 डिग्री से बड़ा, मान लो वो 46 डिग्री है, मान लो ये x कैसा है, 46 डिग्री है, तो अगर मैं इसमें
45 डिग्री से बड़ा कोई कोण जोड़ो, यानी 46 ही जोड़ दो, 45 डिग्री से बड़ा ही है ना, 45 डिग्री से बड़ा, बड़ा कुछ भी हो सकता है, 46 47 48 49 50 कुछ भी हो सकता है ना। तो मैंने 46 ले लिया, तो 46 में 46 जोड़ा तो कितना आया मेरे पास, कितना आया 92 डिग्री है ना, जबकि इन दोनों की जोड़ कितनी होनी चाहिए 90 डिग्री होनी चाहिए है ना। तो मैं कहूँगा, क्या कहूँगा कि वो 45 डिग्री से बड़ा तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये 45 डिग्री से बड़ा है ना, क्योंकि यहाँ पर x जो है वो 45 डिग्री से बड़ा है, बड़ा है, तो इसका जो पूरक कोण होगा वो 45 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या वो 45 डिग्री के बराबर है, तो अब ये कोण क्या है, ये कोण 45 डिग्री से बड़ा है, यानी कि वो कौन सा हो सकता है, मान लो वो 46 डिग्री, 45 डिग्री से बड़ा, बड़ा मैंने 46 ले लिया। अब वो कह रहा है क्या वो 45 के बराबर है, अगर मैं इसमें 45 जोड़ूँ ठीक है तो कितना होगा 91 डिग्री, जबकि इन दोनों की जोड़ कितनी आनी चाहिए थी 90 डिग्री आनी चाहिए थी है ना। तो हम कहेंगे कि 45 डिग्री के बराबर भी ये काम नहीं चलने वाला है ना। तो अब वो दूसरा कोण जो है ठीक है, एक्स का पूरक कोण जो है ठीक है, पूरक कोण जो है वो मैं मान लेता हूँ वाई, ठीक है क्या मान लेता हूँ वाई, माना ये भी मान लो, माना x का पूरक कोण क्या है y है, तो अब क्या कहेंगे कि जो x प्लस वाई है वो बराबर कितना आना चाहिए 90 डिग्री आना चाहिए है ना। तो यहाँ पर x जो है वो 45 डिग्री से बड़ा है, तो मैं उसको बार बार क्या मान रहा हूँ 46 मान रहा हूँ, और y यानी कि पहले मैंने 45 के बराबर लिया तो वो भी काम नहीं बना। अब मैं अगर 45 डिग्री से छोटा लेता हूँ, तो 45 डिग्री से छोटा मैंने मान लो 44 ले लिया, कितना ले लिया 44 ले लिया, तो अब इन दोनों की जोड़ देखो कितनी आ रही है 90 डिग्री आ रही है ना। तो ये तीसरी बात यहाँ पर सेट हो रही है ना। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर जो y की वैल्यू है ना वो 45 डिग्री से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो हम यहाँ एक लाइन लिख सकते हैं, हम क्या लाइन लिख सकते हैं ठीक है, यदि कोण 45 डिग्री से बड़ा है तो इसका पूरक कोण 45 डिग्री से छोटा होगा। आप चाहो तो केवल ये एक लाइन लिखकर इसका उत्तर लिख सकते हो, मैंने इतना बड़ा किया क्योंकि मुझे आपको समझाना था है ना, क्योंकि 45 डिग्री से बड़ा 46 47 कुछ भी हो सकता है, तो अगर वो पूरक कोण जो है 45 डिग्री से बड़ा होगा तो वो 90 डिग्री नहीं हो सकता, दोनों की जोड़ 45 डिग्री के बराबर होगा तो भी 90 डिग्री नहीं हो सकता, तो क्या ज़रूरी है कि वो 45 डिग्री से छोटा होना चाहिए है ना। अब जो अगला प्रश्न आएगा ना, प्रश्न संख्या 9, वो संपूरक और पूरक से थोड़ा अलग है, तो उसको ध्यान से समझना प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 9 इस प्रश्नावली का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ना, और इस प्रश्न को हमें समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो देखो इसको हम समझते हैं, यहाँ पर देखो कुछ शब्द आए, एक तो देखो इसमें आया आसन्न कोण, फिर यहाँ आया रैखिक युग्म, संपूरक तो हम जानते हैं संपूरक क्या होता है, फिर आया कोण एक का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, तो ये कुछ शब्द है इन्हें हमको समझना है। देखो ये जो चित्र बनाया हुआ है, प्रश्न क्या है, संलग्न आकृति में इन प्रश्नों के उत्तर हमें दे दें ठीक है। तो ये आकृति कैसे बनी पहले इसको देखते हैं, ये आकृति ऐसे बनी हुई है कि एक सीधी लाइन थी ठीक है, ए बी एक सीधी लाइन थी, और फिर उसके बाद सी डी, यानी एक सी डी भी सीधी लाइन थी, वो इस प्रकार से इसको काट रही है, ये ए बी हो गया और ये कौन सा हो गया, सी डी हो गया, ये इसको काट रहा है। फिर देखो सी और बी के बीच में एक ई लाइन खींची हुई है यहाँ पे, ये लाइन कौन सी है, ई वाली लाइन है ना। तो अब हमें इसमें क्या समझना है, सबसे पहले समझना है कि ये आसन्न कोण क्या होता है ना। देखो आसन्न कोण क्या होता है उसको समझाता हूँ मैं। आसन्न कोण होता है, जैसे मान लो ये एक कोण है मेरे पास में है ना, ये कोण ऐसा ही होता है ना, हाँ ये कोण है, ये इसका शीर्ष है, शीर्ष मतलब कोना, ये इसका कोना है, शीर्ष है ना, और यहाँ से एक भुजा उभयनिष्ठ, एक भुजा इस प्रकार से निकल रही है। तो आसन्न कोण कब बनते हैं, देखो जब एक कोण ठीक है, जब दो कोण, एक नहीं दो कोण,
जब दो कोण, जैसे मान लो ये कोण एक है और ये कोण दो है, जब दो कोण का शीर्ष और उभयनिष्ठ भुजा एक ही हो तो वे एक दूसरे के आसन्न कोण कहलाते हैं। देखो वापस समझो, आसन्न कोण कब बनता है? जब इस कोण का, ये कोण है मेरे पास में, एक ही शीर्ष हो, इन दोनों कोणों का एक ही शीर्ष हो और इनके बीच में एक भुजा उभयनिष्ठ हो, उसे हम इन दोनों कोणों को क्या कहेंगे? आसन्न कोण कहेंगे। वापस समझा रहा हूँ कि ऐसे दो कोण जिनका शीर्ष और उभयनिष्ठ भुजा, ये उभयनिष्ठ भुजा हो गई, एक ही हो, तो ये कोण जो होंगे, कोण एक और एक कोण दो, एक दूसरे के आसन्न कोण कहलाएंगे। तो अब यहाँ देखो, क्या कोण एक और कोण दो का आसन्न कोण है? क्या कोण एक कोण दो का आसन्न कोण है? यहाँ पर देखो, ये कोण एक है और ये कोण दो है, क्या यहाँ पर आसन्न कोण बन रहे हैं क्या? देखो यहाँ पर है ए ओ ई, ये कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा आपको, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट ओ और ये पॉइंट ई। तो ये ओ जो है ना, फिर यहाँ पर देखो ये एक सी लाइन जा रही है यहाँ पर, ये वाली लाइन कौन सी हो गई? सी हो गई। ये आपका कोण एक है और ये कोण क्या है? दो है। तो मैंने अभी क्या बताया था, आसन्न कोण क्या होता है कि जैसे कोई ये कोण है तो इनका शीर्ष, ये शीर्ष हो गया और उभयनिष्ठ भुजा, ये हो गई उभयनिष्ठ भुजा, और ये दोनों कोण इस उभयनिष्ठ भुजा से जुड़े हुए हैं, है ना, तो ये दोनों आसन्न कोण है। तो हम क्या कहेंगे? हाँ कोण एक कोण दो का आसन्न कोण है, आसन्न कोण है, ये इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा वाला देखो, क्या कोण ए ओ सी कोण ए ओ ई का आसन्न कोण है? अब देखो यहाँ पर ए ओ ई का क्या मतलब है, जैसे अगर मैं कोई कोण बनाता हूँ इस प्रकार से, मान लो ये है ए, ये है बी और ये सी, तो मैं कह रहा हूँ कि इस कोण को कैसे लिखोगे? तो आप कहोगे ये कोण का निशान लगाओ, फिर ए बी सी, ए बी सी लिख दो, तो ये बन गया कोण ए बी सी। समझ में आया? तो अब ये कह रहा है यहाँ पर कोण ए ओ सी, तो यहाँ चित्र में देखो ए ओ सी कहाँ है, ये ए ओ सी, यानी ये ऊपर वाला कोण एक, ये बन गया मेरे पास ए ओ सी, और यहाँ पर लिखा कोण एक, ये कोण ए ओ सी हो गया। फिर है ए ओ ई, कोण ये ए ओ ई कहाँ पर है? देखो ए ओ और फिर उसके बाद में यहाँ आ रहा है ई, ये वाला कोण, ठीक है, ए ओ सी और ए ओ ई, ठीक है, एक तो कोण है ए ओ सी, ये वाला कोण, और दूसरा कोण है ए ओ ई, ये बड़ा वाला कोण। क्या ये दोनों एक दूसरे के आसन्न कोण हैं क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों कोण थोड़ी ना पूछ रहे हैं आपको, ये कोण एक है और ये कोण दो है। अब ये दोनों नहीं पूछ रहे, एक तो पूछ रहा है ये छोटा वाला, एक पूछ रहा है ये बड़ा वाला, है ना, दोनों के शीर्ष तो एक ही है लेकिन उभयनिष्ठ भुजा इसमें कोई है ही नहीं। समझ में आया आपको? तो ये एक दूसरे के आसन्न कोण नहीं है, है ना। ये कह रहा है एक कोण तो आपका ये छोटा वाला हो गया, एक कोण आपका ये बड़ा वाला हो गया, तो यहाँ पर जो ये बीच वाली लाइन है इसका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, है ना। तो अब ये कोण और ये कोण आसन्न कोण नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? नहीं, कोण ए ओ सी कॉमा कोण ए ओ ई का आसन्न कोण नहीं है, आसन्न कोण नहीं है, ये इसका उत्तर हो जाएगा, है ना। अच्छा तीसरा देखो, क्या कोण सी ओ ई एवं कोण ई ओ डी रैखिक युग्म बनाते हैं? अब देखो रैखिक युग्म होता क्या है, रैखिक युग्म का मतलब होता है सीधी लाइन। क्या होता है? सीधी लाइन, जैसे मैंने एक सीधी लाइन बनाई है ए और बी, ठीक है, तो अब अगर मैं इस चंदे से मापूँ, यहाँ पर चंदा रख के, तो ये बनाता है 180 डिग्री का कोण, समझ गए। अगर ये लाइन है, ये मान लो पी और ये है क्यू, तो यहाँ पर चंदा रख के अगर मैं इसको मापूँ तो ये 180 डिग्री की लाइन बनाएगा, है ना, यानी जो सीधी लाइन होती है वो होती है रैखिक युग्म, है ना। अब
अब अगर मैं एक लाइन इस प्रकार से खींचूँ, मान लो ये लाइन हो गई, ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक लाइन और खींच दी बीच में, तो मैंने कहा ये कोण एक है और ये कोण दो है, बताओ इन दोनों की जोड़ कितनी है। तो आपने कहा क्योंकि ये सीधी लाइन है इसलिए इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 180 डिग्री। तो जो सीधी लाइन होती है और उनके बीच में जितने भी कोण होते हैं उनको हम रेखिक युग्म कहते हैं। तो चलो अब इसको देखते हैं, ये दोनों कोण रेखिक युग्म हैं या नहीं। तो यहाँ पर है क्या कोण सी ओ ई, कहाँ है सी ओ ई, देखो ये सी ओ ई, ये वाला कोण, ये सी, ये ओ और ये ई, ठीक है, सी ओ ई, कोण ई ओ डी, ई ओ फिर ये डी, देखो ये नीचे गया यूँ, ई ओ और ये डी, देखो यहाँ पर सीधी लाइन है और ये कोण सी ओ ई और ये कोण ई ओ डी, तो ये देखो एकदम सीधी लाइन है। जो सीधी लाइन के कोण होते हैं वो रेखिक कोण युग्म होते हैं, है ना। ये देखो ये दोनों कोण सी ओ ई, ई ओ डी बन रहे हैं ना सीधी लाइन पे, तो इनको हम रेखिक कोण युग्म बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि क्या ये दोनों कोण रेखिक युग्म बनाते हैं, तो हम लिखेंगे हाँ, हाँ कोण सी ओ ई एवं कोण ई ओ डी रेखिक युग्म बनाते हैं। अच्छा आप आगे देखो, क्या बी ओ डी एवं डी ओ ए संपूरक है। देखो अब ध्यान देना आप ध्यान से, है ना, संपूरक कब होता है, जब दो कोणों की जोड़ कितनी हो 180 डिग्री हो, है ना। तो यहाँ पर ये कोण बी ओ डी, कहाँ है बी ओ डी, बी ओ डी, अब ध्यान देना ये सीधी लाइन और ये भी सीधी लाइन, ठीक है, ये सीधी लाइन कौन सी है ए बी, ये सीधी लाइन कौन सी है डी सी। जब भी दो सीधी लाइनें एक दूसरे को काटती है ना तो इनमें ये 90 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का, प्रत्येक में 90 डिग्री का। तो अब ये बी ओ डी, ये बी ओ डी, ये कोण कितना हो गया 90 डिग्री, डी ओ ए, ये डी ओ ए, ये भी कोण कितना हो गया 90 डिग्री। क्या संपूरक है, अब दोनों को जोड़ो कितना हुआ 90 प्लस 90 कितना हुआ 180 डिग्री। तो हम कहेंगे हाँ ये दोनों क्या है, एक दूसरे के संपूरक है। मैं यहाँ पर सिर्फ हाँ लिख रहा हूँ, है ना, बाकी का आप लिख देना। फिर है पांचवा, क्या कोण एक का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कोण चार है। अब ऊर्ध्वाधर क्या होता है, देखो इसको समझो, जब दो सीधी लाइनें एक दूसरे को काटती है ना, जब दो सीधी लाइनें एक दूसरे को काटती है, तो देखो यहाँ पर ये वाला कोण मान लो एक है और इसका विपरीत यानी इसके सामने वाला कोण यानी ये वाला कोण दो, ये दोनों और फिर ये तीन ले लो और ये चार ले लो और ये दोनों एक दूसरे के ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण होते हैं, समझ गए। अब इस चित्र में देखो, क्या कोण एक का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण चार है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ सीधी लाइन कौन कौन सी है, एक तो है ए बी, दूसरी है सी डी, ये दोनों सीधी लाइन है, चलो बना देता हूँ, ये हो गई आपकी ए बी और ये हो गई सी डी, ये ए बी फिर ये सी डी, कोण एक कहाँ बन रहा है ए ओ सी पे यानी यहाँ बन रहा है, ये कोण एक हो गया। कोण चार कहाँ बन रहा है बी ओ डी पे, ये बी ओ डी कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। बताओ ये एक दूसरे के ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है या नहीं, हाँ ये एक दूसरे के क्या है ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। अब देखो कोण पाँच का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण क्या है, तो कोण पाँच कहाँ है, देखो कोण पाँच यहाँ है ए ओ डी, ए ओ डी ये वाला कोण पाँच है, तो इसका ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो इस कोण को हम क्या बना सकते हैं बी ओ सी, क्या लिख सकते हैं कोण बी ओ सी। तो कोण पाँच का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण क्या होगा, कोण बी ओ सी, है ना। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको YouTube के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है, इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है, इसके बाद में यहाँ पर देखो होम वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।